मिटाने खबरों का गैप, रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप। हेलो, मैं हूं हर्षिता और आप देखना शुरू कर चुके हैं द सिनेमा शो। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना, द लल्लन टॉप शो लाइव देखने के लिए डाउनलोड करें द लल्लन टॉप ऐप। हमारे ऐप पर आप ये शो रोज रात 8 बजे से लाइव देख सकते हैं, वो भी यूट्यूब से पहले। अब द सिनेमा शो पर फिर लौटते हैं। धनुष की फिल्म आई और फैंस ने क्या हंगामा मचा दिया। क्रिश 4 की कहानी क्या होगी। धांसू सीरीज लॉर्ड ऑफ द पार को बनाने में कितने दिन लगे। जैकलीन के 200 करोड़ के एक्सटॉर्शन केस में उनके वकील ने क्या कहा। जानते हैं ऐसी सभी सिनेमा से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। Amazon Prime Video पर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की प्रीक्वल सीरीज द रिंग्स ऑफ पार 2 सितंबर को रिलीज होने वाली है। हाल ही में मुंबई में शो का प्रमोशन इवेंट हुआ, जहां सीरीज के डेवलपर प्रोड्यूसर जेडी पेन ने बताया कि उन्होंने 1 साल तक शो के लिए कास्टिंग की, जिसके बाद शो की शूटिंग करीब 300 दिनों तक चली। 21 जंप स्ट्रीट और द वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट जैसी फिल्मों के एक्टर जोना हिल ने कहा है कि वो अब कभी अपनी फिल्मों को प्रमोट नहीं करेंगे। जोना ने एक स्टेटमेंट जारी कर बताया है कि वो मीडिया और पब्लिक में आने की वजह से पिछले 20 सालों से एंजाइटी से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो खुद से ईमानदार रहना चाहते हैं और अपनी एंजाइटी पर काम कर रहे हैं। चिरंजीवी की आगामी फिल्म गॉडफादर के मेकर्स ने अनाउंस किया है कि वे मेगा स्टार के जन्मदिन यानी कि 21 अगस्त को फिल्म का नया टीजर रिलीज करेंगे। इस फिल्म में चिरंजीवी के ऑपोजिट नयनतारा हैं, साथ ही सलमान खान भी फिल्म में एक्सटेंडेड कैमियो करने वाले हैं। महेश बाबू की नई फिल्म SSMB 28 28 अप्रैल 2023 को रिलीज होगी। महेश बाबू के अलावा पूजा हेगड़े भी कास्ट का हिस्सा है। फिल्म को डायरेक्ट किया है त्रिविक्रम ने, जिन्होंने अल्लू अर्जुन की फिल्म अला वैकुंठ पुरमुलो भी बनाई थी। मेकर्स ने महेश बाबू की फिल्म के अनाउंसमेंट वीडियो में बताया है कि ये एक मास एंटरटेनर फिल्म होगी। 18 अगस्त को धनुष की नई तमिल फिल्म तिरुचित्रम्बलम रिलीज हुई। इससे पहले साल 2021 में आई कन्नन उनकी सिनेमाघरों पर आई आखिरी फिल्म थी। चेन्नई के रोहिणी सिल्वर स्क्रीन्स में तिरुचित्रम्बलम के एक शो के दौरान धनुष के फैंस स्टेज पर चढ़ गए। अक्सर तमिल सिनेमा के फैंस अपने हीरो की एंट्री या गाने पर स्टेज पर आकर डांस करते हैं, लेकिन धनुष के फैंस ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, उन्होंने जोश में वो स्क्रीन ही फाड़ डाली जिस पर फिल्म चल रही थी। इससे सिनेमाघर के मालिकों को तगड़ा नुकसान हुआ है। बता दें कि ये वही हॉल है जहां तिरुचित्रम्बलम के म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर ने फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा था। कमल हासन और शंकर की फिल्म इंडियन 2 की शूटिंग लगातार डिले होती जा रही है। फिल्म पर काम 2017 में शुरू हुआ था। 2020 में फिल्म के सेट पर हुए एक एक्सीडेंट में कुछ लोग मारे गए थे, जिस वजह से शूटिंग रोक दी गई थी। अब खबर आ रही है कि इंडियन 2 की शूटिंग 24 अगस्त को फिर से शुरू होने वाली है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक चेन्नई में सेट भी तैयार कर लिया गया है, जहां टीम 2 महीनों तक शूटिंग करेगी। 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के नॉमिनेशंस हुए हैं। विकी कौशल, धनुष, कंगना रनौत, कियारा आडवाणी और विद्या बालन जैसे एक्टर्स बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में कम्पीट करेंगे। फिल्मफेयर अवार्ड्स का इवेंट 30 अगस्त को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नेटफ्लिक्स ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अनाउंस किया है कि वो दिलजीत दोसांझ की फिल्म जोगी को 16 सितंबर को रिलीज करेंगे। फिल्म की कहानी 1984 के एंटी सिख दंगों के समय की होगी। कुमुद मिश्रा, मोहम्मद जीशान आयुब और अमायरा दस्तूर भी फिल्म की कास्ट का हिस्सा हैं। जोगी को डायरेक्ट किया है अली अब्बास जफर ने। अक्षय कुमार की फिल्म कठपुतली 2 सितंबर को सीधा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने जा रही है। अक्षय के साथ रघुलप्रीत सिंह और सरगुन मेहता भी फिल्म में नजर आएंगी। कठपुतली को बनाया है रंजीत तिवारी ने। ये 2018 में आई तमिल साइकोलॉजिकल थ्रिलर रत्सासन का रीमेक है। 2021 में ऋतिक रोशन ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर क्रिश 4 की अनाउंसमेंट की थी। हालांकि उसके बाद लंबे समय तक फिल्म पर कोई भी अपडेट नहीं आया। अब पिंक विला में छपी एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मेकर्स क्रिश के चौथे पार्ट की कहानी पर काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि नई फिल्म की कहानी तीसरे पार्ट से ही आगे बढ़ेगी, लेकिन एक बिल्कुल नई दुनिया में, साथ ही नए कैरेक्टर्स भी जोड़े जाएंगे। रिपोर्ट में लिखा गया है कि राकेश रोशन अभी कहानी पर काम कर रहे हैं। रोहित शेट्टी ने कंफर्म कर दिया है कि वो गोलमाल का 5वां पार्ट बनाएंगे। पिंक विला को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि सिंघम 3 पर काम खत्म करने के बाद वो गोलमाल 5 पर काम शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि वो जब तक फिल्में बनाएंगे तब तक गोलमाल वाली फिल्में बनाते रहेंगे, साथ ही अजय देवगन इसका हिस्सा भी होंगे।
गुरुवार को एक्टर जिया खान की मां राबिया खान ने स्पेशल कोर्ट में गवाही दी। उन्होंने बताया कि सीबीआई और पुलिस के पास कोई लीगल सबूत नहीं है कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया है। वो मानती हैं कि ये एक मर्डर था। इससे पहले राबिया ने सूरज पंचोली पर जिया को अब्यूज करने के भी आरोप लगाए थे। ईडी ने 200 करोड़ रुपए के एक्सट्रॉशन केस में नई चार्जशीट दायर की, जहां जैकलीन फर्नांडिस को आरोपी बनाया। जैकलीन के वकील प्रशांत पाटिल का कहना है कि वो निर्दोष हैं और उनकी इमेज खराब की जा रही है। राजू श्रीवास्तव के परिवार वालों ने बताया कि उनकी हालत में अब सुधार है। गुरुवार को मीडिया में ये खबरें चली थी कि वो ब्रेन डेड स्टेज पर पहुंच गए हैं। उनके परिवार ने इन खबरों को अफवाह बताया। द सिनेमा शो में आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी सोमवार को। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। शुक्रिया। पुराने किस्से सुनने नौशाद मधुबाला प्राण जैसे जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें ललन टॉप सिनेमा।